गोवर्धन गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने आए चंडीगढ़ निवासी चार श्रद्धालुओं को जहर खुरानी ग्रहों ने अपना शिकार बना डाला। घटना गोवर्धन चौराहा मथुरा की है, जहां पर चंडीगढ़ से दो महिला और दो पुरुष श्रद्धालु अपनी गाड़ी से परिक्रमा लगाने आए थे। गोवर्धन चौराहे पर गाड़ी रोक कर उन्होंने जूस का सेवन किया। बताया जा रहा है कि या तो जूस में ही या किसी अन्य माध्यम से नशीला पदार्थ खाने की वजह से चारों श्रद्धालु बेहोश हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने 100 नंबर को इसकी सूचना दी, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर श्रद्धालुओं को गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले आए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उनको जिला अस्पताल मथुरा के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं निजी डायलर रेड के सिपाही पवन कुमार शर्मा ने बताया कि चार श्रद्धालु जिनमें दो महिला और दो पुरुष थे, चंडीगढ़ से परिक्रमा करने आए थे, जिन्हें किसी ने जूस के द्वारा नशीला पदार्थ खिला दिया था। उनकी गाड़ी और चार श्रद्धालुओं को उन्होंने गोवर्धन सरकारी अस्पताल भर्ती करा दिया। तो बिरला स्कूल थाना बॉर्डर का लगता है, वहाँ पर गए तो ये चार पर्सन थे, दो व्यक्ति थे, दो लेडीज थी, जिसमें एक महिला बेहोश थी और पलटियाँ कर रही थी, एक व्यक्ति बेहोश था, दो अर्धमूर्छित थे। उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग चंडीगढ़ से आए हैं और गोवर्धन चौराहे पर हमारे द्वारा जूस का सेवन किया गया है, और शायद उनके कहे अनुसार जूस में ही उनको कुछ मिला के जूस वाले ने खिला दिया, या इन्होंने स्वयं खाया, जाने अनजाने इनके द्वारा किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया गया है। तो चारों को एक गाड़ी को मैं चला के लाए, एक गाड़ी को हमारे दूसरे चालक ये चला के लाए, दोनों चारों को हमने हॉस्पिटल ला के छोड़ दिया, यहाँ एडमिट करा दिया गया चारों को, जिसमें चिकित्सक महोदय द्वारा इनको जिला रेफर गाजियाबाद सॉरी मथुरा रेफर करना है। क्या मामला है? हाँ, अभी कुछ देर पहले ये चंडीगढ़ के कुछ लोग थे, 3-4 लोग, जिन्होंने कोई बता रहे थे कि हमने भांग खा ली है या पी ली है, तो उन्हीं को देखा और एक की हालत ज्यादा वैसी थी, अनकॉन्सियस या ज्यादा नशे की हालत में थी। उनको कहां से आए हैं? ये कुल चार लोग थे, चारों चंडीगढ़ के थे, जिसमें नीलम जो महिला है 40 साल, लगभग 40 साल की, वो काफी मतलब उसको नशे का वो था, तो इंजेक्शन और प्राथमिक उपचार कर दिया, उसके बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया।